dear students and dear people, how are you? I am going to talk about Kirchhoff's law of resistance. Kirchhoff's law of resistance यह electricity का part है. Kirchhoff's law of resistance में आज का lecture हमारा है part है 3. Kirchhoff's law में हमने part 1 और part 2 भी video upload कर चुका है. आप जाइए वहाँ पर YouTube में जाकर आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ बाय गोयल बाबा और किरचॉफ सेकंड लॉ बाय गोयल बाबा सर्च करेंगे तुरंत आपके नजरों के सामने आ जाएगा. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किरचॉफ लॉ किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और किरचॉफ लॉ के रूल क्या है, ये सब कुछ बताते हुए हमने वहां पे बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताए हैं रूल को फॉलो करते हुए. तो आप अगर वह हमारा पार्ट 2 और पार्ट 1 देखते हैं तो पार्ट 3 और बेहतरीन तरह से समझ में आएगा हमारा और आपका खूबसूरत सा ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी गोयल बाबा. तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर डालें और लाइक भी कर डालें. तो ये हमारा आज के किरचॉफ लॉ पार्ट 3 में आज हम ये सब न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं. तो ये एनसीईआरटी के पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हम डिलीट करता है. तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल लें और नोट्स बनाना आप स्टार्ट कर दें, ठीक है. चलिए तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बताते हैं. इसके बिफोर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके पार्ट 2 और पार्ट 1 में बताए हुए हैं. आज हम उसी का लेकर आए हैं किरचॉफ लॉ का ही आपके सामने पार्ट 3. तो यहां पर देखिए क्वेश्चन पार्ट 3 में क्या कह रहा है. यहां पर ये सेल लगाया हुआ है, यहाँ पे ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम और इनके बिटवीन सेल लगाए हुए हैं और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है. ये देखिए तो ये एनसीईआरटी का आपका न्यूमेरिकल है. ये 4 ओम, यहाँ पर भी 4 ओम दिया हुआ है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 10 वोल्ट का ईएमएफ है, ये 2 ओम और यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर 5 वोल्ट. इसे हम ई कह लें, ये पॉइंट को ए माना, इसको बी मानना है, इसको सी और इसको डी. तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि फाइंड आउट करेंट इन इच रेजिस्टेंस. क्वेश्चन में कह रहा है आपका, पूछ रहा है कि फाइंड आउट करेंट इन इच रेजिस्टेंस. इच रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड आउट करंट इन इच रेजिस्टेंस. तो पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हम करंट लेकर चलते हैं. तो यहां पर 10 वोल्ट है तो यहां से करंट हमने आई ले लिया, ठीक है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो करता है आउटसाइड द बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनसाइड द बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो यहां से करंट आई जा रहा है, सी से ए के तरफ करंट आई जा रहा है. तो ये जब पॉइंट ए पर आएगा, यानी पॉइंट ए जंक्शन पर आएगा, तो ये करंट 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा. हम मान लेते हैं इधर क्या है, आई वन है, तो यह ए बी के बिटवीन क्या हो जाएगा आपका I-I1, यानी I-I1 कर लेंगे. तो इसमें आई में से आई वन जो निकले बच्चे सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो बचेगा वही किसमें किस ब्रांच में करंट जाएगी आपका, एडी ब्रांच में जाएगी, ठीक है. अब यहां पॉइंट डी पर हम आते हैं, तो पॉइंट डी से करंट मान लेते हैं इधर जा रहा है आपका आई टू, तो ये I-I1-I2 इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, यानी I-I1-I2 करंट चला गया किस ब्रांच में, डीसी में. अब आप देखिए इधर से I2 जा रहा है और ये I2 और इधर से I1 दोनों यहां पर सम हो जाएंगे, ये हो जाएगा I1+I2. तो इस तरह करंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि करंट हम किस तरह से कैसे डिवाइड करें, इस ब्रांच में करंट को कैसे हम फ्लो कराएं, ठीक है. अब इसके बाद ध्यान से समझे, थोड़ी देर एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इसके पहले हमने रूल बताया है आपको कि अगर करंट के डायरेक्शन में, ये देखिए अगर ये रेजिस्टेंस है यहां पर करंट है, करंट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो यहां पर I into R का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा पॉजिटिव, I into R यानी V इक्वल टू क्या लिखेंगे, पॉजिटिव
यानी साइन यहां पर क्या होगा पॉजिटिव, जब करंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। यही अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, करंट यूं जा रहे हैं आप इधर आ रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट आप करंट एंड रेजिस्टेंस की साइन क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। दूसरा चीज यहां देखिए, ये मैं समेशन ऑफ ईएमएफ, समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो किरचॉफ सेकंड लॉ बोलता है। यहां पर माइनस है, यहां पर क्या है आपका प्लस। तो अगर अब इस सेल में निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं तो इसका साइन हम रखेंगे पॉजिटिव, लेकिन यह अगर इज इक्वल टू के राइट साइड लिखते हैं तो पॉजिटिव, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साइन नेगेटिव लिखेंगे। दूसरा चीज देखिए, प्लस हो गया, यहां पर हो गया आपका माइनस। अब हम ट्रेवल करते हैं पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट हम ट्रेवल किया हमने, तो यहां पर वी इज इक्वल टू क्या रखेंगे माइनस आई इंटू आर, लेकिन यह कहां रखेंगे इज इक्वल टू के राइट साइड रखेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं इस न्यूमेरिकल के तरफ। ठीक है, देखिए बहुत ही मजा आएगा, आई बात समझ में ना। अब हमने क्या कहा यहां पर सॉल्यूशन में कि यूजिंग, यहां पर हम पांच ले लेते हैं, मेस ले लेते हैं। एक देखिए ये मेस बन रहा है फर्स्ट मेस, एक ये मेस बन रहा है सेकेंड मेस, और एक मेस ये बन रहा है थर्ड मेस। ठीक है, यानी हम चल रहे हैं कैसे एंटी क्लॉकवाइज, या हम चल सकते हैं क्लॉकवाइज भी, चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं। ये हम चल रहे हैं इधर, ये हम चल रहे हैं, सब कुछ नियम बताया हुआ है, ये देखिए ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज इन अ मेस फर्स्ट, यानी क्या लिख सकते हैं ए बी सी ए लिख सकते हैं यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ या मेस वन, मेस वन अप्लाई मेस रूल या क्लोज रूल। तो किरचॉफ सेकंड लॉ किस पर आधारित है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। तो इन मेस वन या इन क्लोज लूप ए बी सी ए, तो हम करंट डायरेक्शन में चलेंगे, तो करंट डायरेक्शन में चलेंगे तो लिखेंगे 4 into I1 plus। अब हम इधर आ रहे हैं तो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे I1 plus I2 लिखेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि करंट डायरेक्शन में बताया कि जब करंट डायरेक्शन में आप ट्रेवल करेंगे तो आपका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम फिर किधर आ गए सी से ए के तरफ, तो यहां हो गया +1 into I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस से प्लस चेंज लिखेंगे। अब यहां पर देखें 4 into I1 plus 2 into I1 plus 2 into I2 plus I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब देखिए ये I1 और ये I1 ऐड कर देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 I1 हो गया। तो 6 I1 plus 2 I2 plus I इज इक्वल टू क्या मिला 10 मिला, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन क्लोज लूप हम ले लेते हैं, सिमिलरली इन क्लोज लूप ए सी डी ए या इन मेस, इन मेस सेकेंड, मेस सेकेंड अपलाइन किरचॉफ सेकेंड लॉ, अपलाइन किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक ना, अब देखिए यहां पे भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हम यहां चल रहे हैं डी से ए, ए से सी, सी से डी चल लेते हैं। ठीक है, तो ये करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन हो जाएगा माइनस, यानी 4 I minus I1 आपका हो गया ब्रैकेट क्लोज। फिर ए से सी जाएंगे तो करंट यू आ रहा है, आप जा रहे हैं यू, तो यहां पर भी साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 into I यानी क्या मिलेगा आई मिलेगा। अब हम चलते हैं सी से डी, तो सी से डी आएंगे तो यहां पर भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए करंट इधर जा रही है, आप आ रहे हैं इधर, तो करंट जब भी अपोजिट डायरेक्शन में आप जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस 2 I -I1 -I2 इज इक्वल टू, देखिए सारा करंट और रेजिस्टेंस लिया गया बच्चा,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 10। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर आई माइनस माइनस आपका प्लस फोर आई वन माइनस आई माइनस टू आई माइनस माइनस प्लस टू आई वन माइनस माइनस प्लस टू आई टू इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पर देखें 4 माइनस फोर आई वन और माइनस आई और माइनस आई, टू और वन 3 और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 7i माइनस 7i हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस 4i1 और प्लस 2i1, तो 4i1 और 2i1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6i1 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा प्लस 6i1। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 7i माइनस 6i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड क्या मिल रहा आपका 7i माइनस 6i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 10 मिल रहा है। तो हमने दो मेश लिया, अब तीसरी मेश की बात करते हैं यहां पर। तो तीसरा मेश ये है, तो हम कह सकते हैं इन मेश थर्ड अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ, या आप लिख सकते हैं यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज लूप बी या इन क्लोज लूप बी ई डी सी डी, ये भी लिख सकते हैं, या आप इसके जगह पर यूज कर सकते हैं कि मेश थर्ड अप्लाई किरचॉफ सेकेंड किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो अब चलते हैं, हम यूज करते हैं इन मेश थर्ड, इन मेश थर्ड ये ऊपर का साइन है, ऊपर का सिंबल लगा है, यहां पर भी ऊपर का सिंबल, इन मेश थर्ड अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बी से आ रहा है डी, ई से डी, डी से सी, सी से बी, है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, आप ध्यान से समझे, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे यहां पर बी ई क्लॉकवाइज चल रहे बी ई डी सी बी, ठीक है। तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, या आप लूप मतलब लिख सकते हैं यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज लूप बी ई डी सी बी, बी ई डी सी बी, या इन मेश थर्ड अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो चलिए हम यूज करते हैं यहां से, करंट डायरेक्शन में चल रहा है माइनस आई टू इंटू आर, ये नहीं है, हटा दीजिए यहां से। अब आइए यहां पर बी से सी, तो बी से सी आपका टू है और करंट है आई माइनस आई वन माइनस आई टू, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए साइन क्या रखा हमने पॉजिटिव। फिर हमने गया सी से बी, तो सी से बी निगेटिव है क्योंकि करंट नीचे को आ रही है, आप जा रहे हैं ऊपर को, तो यहां लिखेंगे टू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू, यहां देखिए अब इधर से इधर आ रहा है तो प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस 5 वोल्ट। अब मल्टीप्लाई करेंगे टू आई वन टू आई टू माइनस टू आई वन माइनस टू आई टू इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अब यहां पर ऐड करेंगे, ये देखिए ये भी आई वन है ये भी आई वन, तो टू आई वन कितना हो जाएगा, इसको हटा दें, टू आई वन और टू आई वन, चलिए लिखे रहिए टू आई वन इसको रखें टू आई वन माइनस फोर आई वन, टू आई टू माइनस फोर आई टू इक्वल टू माइनस 5, ये माइनस छूट गया था। अब इसमें माइनस से बहुत साइड मल्टीप्लाई कर दें, ये मिलेगा 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2i प्लस होगा और ये हो जाएगा 5, यानी इसमें माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, उसके बाद हमने इसको ऐसे लिख लिया। ये मिला आपका इक्वेशन
थर्ड मिला, यानी तीन इक्वेशन आपको मिल चुका है यहाँ पर। तीसरा इक्वेशन मिल रहा है 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस 2i इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यहां से तो समझ में आया ही, हमने क्या किया यहाँ पर, इसको इसको ऐड किया तो माइनस सिंबल हुआ माइनस 4i1 और ये ऐड किया हमने तो माइनस 4i2 माइनस 5 प्लस 2i। फिर हमने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। तो इसको हमने लिखा इक्वेशन था। अब हम देखते हैं क्या करते हैं, यहां से किसी एक चीज को कैंसिल किया जाए। यहां पर देखें 6i1 है, यहां पर 6i1, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 7i और 1i 8i हो जाएगा और 10 10 20 हो जाएगा, यानी 8i इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। तो i इज इक्वल टू 20/8 हो जाएगा, यानी 20/8 का मतलब, अब देखिए i इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 20/8, तो 4 2 8 और 4 5 20, यानी i की वैल्यू कितना मिल जाएगा 5/2 यानी 2.5 एम्पियर। तो इस ब्रांच में आपको करंट मिल जाएगा, सी ए ब्रांच में करंट मिल जाएगा आपको 2.5 एम्पियर। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट करंट इन इच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को उठाकर ऐड कर दें तो I2 और I1 दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया में केवल आपके I बचेगा। वह I किस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, तो सी ए ब्रांच में फ्लो कर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो ऐड करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर दिया, 6i1 प्लस 2i2 प्लस i इज इक्वल टू 10, यहां पर मिला आपको 7i माइनस 6i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 10। ऐड करने पर नजर लगाकर देखिए, ये प्लस 2i2 है माइनस 2i2 है आपका, यहाँ पर प्लस 6i है i1 है, यहाँ माइनस 6i1 है, ये दुनिया से चले गए, तो 7i और प्लस i कितना मिल जाएगा आपको 8i और 10 10 कितना हो गया 20। तो i इज इक्वल टू 20/8 लिखेंगे, 4 2 8 4 5 20, तो i इज इक्वल टू मिला 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो ये आपको किस ब्रांच में करंट मिला, सीए ब्रांच में करंट मिल गया। अब इस आई की वैल्यू, अब यहां पर आई की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो एक इक्वेशन बनेगा, इस आई की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो आई वन और आई टू के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर इस आई की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो आई वन आई टू आ जाएगा, तो एक इक्वेशन बनेगा। फिर इसमें से आप देखेंगे कौन कैंसिल हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। हम कहते हैं पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू आई इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2, आई की वैल्यू कितना है 5/2 इज इक्वल टू कितना है आपका इक्वेशन थर्ड में 5 है, यहां हो गया 5। देखिए अब ये 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल, तो 4i1 प्लस 4i2 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मिला 5, ये माइनस 5 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, इसको हम मान लें इक्वेशन फोर। अब यही आई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, तो किस में पुट कर दूं बोलिए जल्दी सर, फर्स्ट में। चलिए फिर हमने पुटिंग द वैल्यू आई इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, देख लीजिए 6i1 प्लस 2i2 प्लस i इज इक्वल टू कितना था 10 था,
सिक्स आई टू प्लस टू आई टू प्लस आई इज इक्वल टू कितना है आपका 10 है। तो सिक्स आई वन टू आई टू प्लस आई की वैल्यू कितना है 5/2, 5/2 इज इक्वल टू 10। इसको राइट साइड ले जाए, सिक्स आई वन प्लस टू आई टू 10, ये राइट साइड जाएगा तो -5/2, ये 20 माइनस 5 बाई कितना जाएगा 2, यानी 15/2। तो 15/2 को 15/2 इसको कटाएंगे तो आएगा 7.5, यानी ये मिला 6i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 7.5, ये हो गया इक्वेशन 5। अब देखिए आपको यहां से देखिए यहां पर इक्वेशन 5 आपका मिल रहा है 6i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 7.5, और इक्वेशन फोर्थ मिल रहा है 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 10। अब क्या करें, आप इक्वेशन फिफ्थ में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फिफ्थ में 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ को, इक्वेशन फोर्थ को आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो i2 दुनिया से चला जाएगा, ठीक है। यानी क्या करें आप, इक्वेशन फिफ्थ मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन फिफ्थ मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन क्या लिखेंगे 4। तो इक्वेशन फिफ्थ ये है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 15। अब इसमें किससे माइनस करना है, सबट्रैक्शन करना है, इससे यहां पर ये i1 छूट गया है, तो यहां पर लिखेंगे 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 3। अब यहां पर सबट्रैक्शन करेंगे, तो सबट्रैक्शन करेंगे तो आपका सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, तो ये 4i2 प्लस का आप 4i2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहां हो जाएगा 8i1 इज इक्वल टू 15 में से 10 सबट्रैक्शन करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, ये हो जाएगा 5। यानी आपको यहां पर क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए ठीक इसके ऊपर यहां, यानी i1 इज इक्वल टू 5 बाई कितना हो गया 8, अब 5 बाई 8 हो गया, 5 बाई 8 को सब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625 एम्पीयर। तो अब देखिए i1 मिल गया, ये i1 किस ब्रांच में जा रहा है, तो ए बी ब्रांच में जा रहा है, ए बी ब्रांच में करंट i1 है, i1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.625 एम्पीयर। दो ब्रांच में हमको करंट मिल गया, यहां भी मिल गया, यहां मिल गया, अब हमको यहां चाहिए और यहां चाहिए, यहां चाहिए, यहां चाहिए, तो इसका मतलब अगर i1 मिल गया हमको i2 चाहिए, तो हम क्या करें, किसी भी या तो इसी क्वेश्चन में पुट कर, पुट करते हैं i की वैल्यू, i1 की वैल्यू, या तो आप इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो हम किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दें क्या, 4i1 4i2 इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन यहां पर हम रखेंगे 5/8, तो 4 × 8 5/2 बच जाएगा, 5/2 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू मिल सकती है 7.5 अपॉन 4 आ जाएगी। देखिए यहां पर हम इस वैल्यू को, इस वैल्यू को i1 को इसमें पुट करते हैं, ठीक है, यहां हम लिख देता हूं ये चीज है, ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, अब स्टेप आते हैं फोर्थ, तो फोर्थ में क्या किया जाए, पुट किया जाए, पुटिंग the value i1 in equation 4, equation 4th में i1 की value put कर दें, तो equation 4th यही है 4i1 plus 4i2 is equal to कितना है 10, i1 की value कितनी है 5/8, 5/8 4 × 8, यानी यहां पर मिला 5/2 प्लस 4i2 इज इक्वल टू कितना मिला 10, तो 4i2 इज इक्वल टू 10 माइनस
I by 2, ये हो जाएगा 20, ये कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 माइनस 5 बाई 2 यानी ये हो गया 15 बाई 2 यानी हो गया 7.5। तो I4 I2 इज इक्वल टू मिला 7.5, तो I2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 7.5 डिवाइड बाय 4। तो 7.5 डिवाइड बाय आपको कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, अब इसको आप अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 1.875 मिलेगा, 1.875 एम्पियर मिल गया। अब देखिए आपको I2 भी मिल गया, यानी ये चीज किस ब्रांच में करंट मिल गया, डी से बी में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1.875 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम ब्रांच बीसी में देखते हैं, बी और सी में, तो I1 प्लस I2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। अब देखिए I1 प्लस I2 ये करंट, देखिए I1 की वैल्यू कितना था 5/2 और I2 की वैल्यू कितना है आपका 7.5, या कटाए हुए I1 की वैल्यू 0.625 प्लस I2 की वैल्यू 1.875। इसको आप ऐड करें, जब इसको आप ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 दोनों को ऐड करेंगे, I1 प्लस I2 किस ब्रांच में जा रहा है, BC में जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लें 1.875 0.625 5 5 10 0 7 9 10 1 0 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 1 15 के 1 और 5 और 1 1 2 यानी ये मिल जाएगा 2.500 यानी 2.5 एम्पियर किस ब्रांच में आपके करंट फ्लो करेगी, आपका BC में, या 2.5 I1 प्लस I2 एम्पियर किस ब्रांच में फ्लो कर रही है, BC में। अब आपको चाहिए DC में करंट, ब्रांच DC में करंट चाहिए। अच्छा, एक ये भी बात है, यहाँ पर देखिए AD ब्रांच में तो I माइनस I1, तो I कितना है आपका, I है आपका यहाँ 5/2 में I1 से सबस्टेशन कर देंगे तो इस ब्रांच में मिल जाएगा करंट आपको, और DC में आपको चाहिए तो DC में करंट अगर ब्रांच में चाहिए तो DC में हमारे ख्याल से देखिए I माइनस I1, तो I माइनस I1 आप निकाल लेते हैं, अगर I माइनस I1 I कितना है आपका 2.5, I1 कितना है, I1 है 0.625। ठीक है, तो इसमें करंट आपको कितना मिलता है, 1.875 करंट मिल जाता है। 1.I1 में ये I1 माइनस I2 सबस्टेशन करेंगे, इसमें I माइनस I1 सबस्टेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.875 एम्पियर आएगी। इसका मतलब ये मिला I माइनस I1 किस ब्रांच में मिला, AD में, ये करंट मिला ब्रांच AD में। ठीक है, ये AD में मिला, और ये किस ब्रांच में मिल रहा है, किस रेजिस्टेंस में ये करंट जा रही है, I1 प्लस I2 2 ओम में, यानी ब्रांच BC में, और ये 0.625 एम्पियर I1 है, यह ब्रांच AB में करंट जा रही है। ठीक है, अब ब्रांच DC में करंट निकालना है, ब्रांच DC में आपको करंट फाइंड करना है, तो आप इसमें क्या है, I माइनस I1 माइनस I2, यहां देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन किया तो ये वैल्यू आया 1.875, माइनस I2 कितना आया है तो 1.875, यानी ब्रांच BC में करंट आपको मिलेगा 0। ये रहा NCERT के न्यूमेरिकल। ठीक है, इसे जल्दी से आप नोट करें, जल्दी से नोट करें तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आ चुका है, आपको ध्यान से देखें,
इस क्वेश्चन को कह रहा है यूज किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इन द गिवन बिलो सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इसका मैं इक्विवेलेंट फिगर बनाता हूं, ध्यान समझे। पहले आप देखिए यहां से यहां, इधर आप देखिए ये दोनों किसमें है, सीरीज में, दोनों सेल सीरीज में है, तो ये 2 ओम और 1 ओम कितना हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। तो सोल्यूशन इसका इक्विवेलेंट मैं फिगर बनाता हूं, यहां पे हमने लिखा ये कितने ओम के हो जा रहा है, 3 ओम के हो जा रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए माइनस से प्लस फिर माइनस से प्लस, ये चीज आपका सेम सीक्वेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये मिस्टेक हो चुका है, यहां पर ये प्लस था, यहां पर ये माइनस था, और माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, तो यह लिखेंगे E1 प्लस E2 यानी नेट सेल लिखेंगे, तो यह E1 क्या है प्लस 2 और प्लस पर क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 1 वोल्ट हो जाएगा, यानी यहां पर हम एक सेल लगा लेते हैं 1 वोल्ट का। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, ये माइनस है यहां पर, यहां प्लस है, और यहां आपका क्या है प्लस है, और यहां क्या है माइनस है, तो यह सेल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो यह 2 और 1 सीरीज में है, लेकिन यह सीरीज में सेल अपोजिट फेज में लगे हुए हैं, तो इसे 2 में से 1 को हमने क्या किया सबट्रैक्शन कर दिया, क्योंकि E2 जो है -1 हो जाएगा, तो यहां पर आप सिंबल में लगा दीजिए E1 - E2 2 - 1 1 वोल्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, अब देखिए आप ये यहां माइनस है, यहां प्लस, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस, ये 3 वोल्ट और 1 वोल्ट, यहां पर भी ये 3 वोल्ट - 1 वोल्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 2 वोल्ट, ये यहां पर हमने लगाया माइनस और प्लस, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया आपका प्लस, और 3 और 1 सीरीज में है, इसको हमने करंट कर दिया, ये आपका हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब इनके बिटवीन एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, करेक्ट है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया बी हो गया, और ये कितना हो गया 3 - 1 2 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट फिगर बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें करंट के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को शो कराए हम, यहां पर देखिए ये 2 वोल्ट है और ये कितना है 1 वोल्ट है, तो अगर करंट इससे आपका मान लीजिए इससे करंट I1 आ रही है, ठीक, इससे करंट I1 आ रही है आपका आइवर्सन में, और इससे करंट I2 जा रही है, ये I2, तो I1 और I2 यानी यहां से I2 इधर जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा I2 - I1, क्या हो जाएगा I2 - I1 हो जाएगा। फिर से समझे, ये BD ब्रांच में I2 करंट जा रही है, और A से बी से आपका इधर डी में करंट I1 जा रही है, ठीक है, तो ये इधर से करंट I2 गया, I2 में से I1 निकल गया, तो इसमें क्या बचेगा I2 - I1 बचेगा। अब इसमें मेश ले लें हम, एक मेश ये ले लेते हैं फर्स्ट, और एक मेश ये ले लेते हैं सेकेंड, ठीक है, तो अब लिखेंगे यूजिंग किरचॉफ्स, या ऐसे लिख लें इन अ मेश, मेश 1 अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड ला अप्लाई किया जाए, तो ये हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, 3 × I1 - अब इधर सीधे जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो लिखेंगे 2 I2 - I1 -1 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 3I1 - 2I2 इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है आप, तो 2I2 - 2I1 1 सेकेंड -+-++ = 1 वोल्ट हुआ। अब देखिए 3 और 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5I1 - 2I2 = आपका कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको ये मिला इक्वेशन फर्स्ट मिला, 5I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। सिमिलरली इन अ मेज या सिमिलरली इन किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज लूप डी बी डी या इन मेज सेकंड अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ तो या इन मेज अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या करेंगे 4 × I2 कर, ये देखिए 4 × I2 प्लस 2 × I1 माइनस क्या है I2 माइनस I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यहां मल्टीप्लाई कर दें इसको प्लस 2I2 प्लस माइनस माइनस 2I1 इज इक्वल टू 2 यानी 4I2 प्लस ऐड कर दें, ये 4 और 2 ऐड हो जाएगा 6I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन मिल गया आपको सेकंड। तो दो इक्वेशन मिल गए, दूसरा इक्वेशन मिला आपको 6I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 2 मिला। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप थर्ड से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड के साथ अगर जोड़ देते हैं तो आपका I2 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 15I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 6I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 2। इसको आपको ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे यहाँ पर ये माइनस ये प्लस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 15 में से 2i निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको 13 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 13I1 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो I1 मिल गया आपको 5/13 एम्पियर, I1 मिल गया 5/13 एम्पियर मिल गया, ठीक है। इस तरह से ये I1 मिल गया, अब हमको चाहिए I2। जब I1 मिल गया तो I2 अगर निकाल लेते हैं तो I2 में से I1 निकालने में तो इस ब्रांच में BD ब्रांच में आपको करंट मिल जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हैं V=I R, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन BD के बिटवीन यानी ब्रांच BD में 2 ओम रेजिस्टेंस में आपको पोटेंशियल पूछ रहा है, तो I1 की वैल्यू पुट कर दें। देखेंगे पुटिंग द वैल्यू I1 इन इक्वेशन सेकंड या इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें पुटिंग द वैल्यू I1, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है 6I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 2, तो 6I2 माइनस 2 I1 की वैल्यू कितना है 5/13 इज इक्वल टू 2, ये हमने इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखना चाहिए। अब 5 2 या कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस 10/13 इज इक्वल टू 2, तो 6I2 2 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 10/13, ये कितना आ जाएगा 26 प्लस 10/13 कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 26 और 10 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36/30, और ये 6 को नीचे लाए ये 6 आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू आपको मिल गई 6/13 एम्पियर। तो यहां पर आपको I2 भी मिल गया। अब I2 माइनस I1 कर दे, I2 6/13 माइनस 5/13 कितना गया 13, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/13 एम्पियर मिल गया। अब चाहिए आपको, ये तो मेरा करंट फ्लोइंग फ्रॉम B to D, बी से डी करंट फ्लो होगा 1/13 एम्पियर, इसे आप क्या कह सकते हैं करंट फ्लोइंग फ्रॉम B to D बाई 1/13 एम्पियर। अब हमको चाहिए हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and D, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम
बी टू डी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर लिख लें बिटवीन बिटवीन बी एंड डी, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर वी बी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की जगह पर क्या है आई टू माइनस आई वन इंटू आर, आई टू माइनस आई वन कितना आया 1/13, आर की वैल्यू क्या है आपका 2 है, तो यहां पर मिल गया वी बी डी इज इक्वल टू 2/13 वोल्ट। इस तरह से ये न्यूमेरिकल मिला आपको, या सीबीएसई बोर्ड में 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो कहीं कहीं ये कंपार्टमेंट जो एग्जाम हुआ था फिजिक्स का उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट करें, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपके सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी एट जीरो पोटेंशियल, तो कह रहा है कि यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इन दैट इज वी भी पूछ रहा है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप नोट करें। देखिए पहले हम क्या करें, लेट अस रीड्रा द डायग्राम, लेट री ड्रा द डायग्राम, इसको हम फिर से ड्रा करते हैं इस डायग्राम को, बी और सी यहां पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, माइनस प्लस ये 1 वोल्ट है, यहां पर रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं। अब इधर आपका प्लस माइनस इधर आपका 2 वोल्ट दिया हुआ है, यहां पर रेजिस्टेंस आर वन है, ठीक है, तो यहां पर करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में देखिए आप यहां से 2 एम्पियर इस पॉइंट पर जंक्शन से 1 एम्पियर चला जाता है, इसमें कितना आ जाएगा डीसी के बिटवीन भी आपका करंट मिल जाएगा 1 एम्पियर मिल जाएगा, और ये पॉइंट बी हुआ और ये पॉइंट क्या हुआ आपका ए और ये डी और ये पॉइंट सी, तो अब इसे मेस मान लें हम लोग, एक मेस हम लोग का ये हो गया फर्स्ट मेस और सेकेंड मेस आपका ये हो गया, तो 2 मेस हमने माना। अब क्या करेंगे आप ध्यान दें, इतना मानने के बाद कंसीडर करने के बाद अब किरचॉफ्स लॉ यूज करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूज किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ रूल लगाइए और डिटरमाइन कीजिए, फाइंड कीजिए पॉइंट बी पर पोटेंशियल, तो हम कहेंगे इन मेस फर्स्ट या इन यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन क्लोज लूप फर्स्ट डी ए सी डी, ठीक है, या हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इन अ मेस फर्स्ट अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है, तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ अप्लाई किया जाए तो 1 इंटू आर यानी मिला आपको आर, फिर इधर कितना हुआ माइनस में जाएंगे हम लोग, तो इधर से जाएंगे माइनस में, तो माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, यानी आर माइनस टू इज इक्वल टू 1, तो आर इज इक्वल टू 1 ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यानी 3 ओम, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस हो गया आपका 3 ओम का। अब हम लेकर चलते हैं मेष 2, सिमिलरली इन मेस टू अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है, तो देखिए इधर से यहां आ गया 1 और इधर आ गया 2, इसमें हो गया
इधर से वन आया, इधर से वन मिलकर कितना हो गया, टू एम्पियर। यहाँ लिखे टू इंटू आर वन, तो टू इंटू आर वन प्लस, अब ये करंट इधर आ रही है तो वन इंटू टू इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, टू मिल गया। तो अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं टू आर वन प्लस टू इज इक्वल टू टू, तो टू आर वन इज इक्वल टू टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी टू आर वन इज इक्वल टू जीरो, आर वन इज इक्वल टू जीरो बाई टू इज इक्वल टू जीरो, यानी आर वन कितना आया, जीरो आया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि गिवेन द पोटेंशियल, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट ए पर, यहाँ देखिए अज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी एट जीरो पोटेंशियल, पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या है आपका, जीरो है, ठीक है। तो कहेंगे गिवेन, यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, गिवेन द पोटेंशियल, गिवेन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड दैट इज वी ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वी ए इज इक्वल टू जीरो, इसलिए ए पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। और यह सी है तो इधर प्लस है, तो वी सी माइनस वी ए, यहां पर लिखेंगे वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, वन वोल्ट हो गया। तो देयर फोर वी सी माइनस वी ए की वैल्यू क्या है, जीरो, ये हो गया वन, यानी वी सी इज इक्वल टू कितना मिला, वन वोल्ट मिला। तो पॉइंट सी पर वोल्टेज आपको मिल गया वन वोल्ट। अब हमको चाहिए पॉइंट बी पर पोटेंशियल, तो हम कह सकते हैं एज पॉइंट सी एंड बी, यहां पर लिखेंगे एज पॉइंट सी एंड बी, सी एंड बी आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड विदाउट, ठीक है, आर कनेक्टेड विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, कोई नहीं है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस बिटवीन बिटवीन देम, ठीक है। यानी आर वन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है आपका। देखिए बिटवीन देम यानी सी और बी के बिटवीन नो एनी रेजिस्टेंस, तो हेंस वी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। अब वीबी की वैल्यू क्या है, वीसी की वैल्यू क्या है, तो वीसी की वैल्यू वन वोल्ट है, तो वीसी की वैल्यू वन वोल्ट है, तो वीबी इज इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा आपको, वन वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आई बस समझ में, ये दो नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें बुक से, क्योंकि आता आपको सब कुछ है, बस आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो कोई भी काम के जितना ही प्रैक्टिस होगा उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा रिजल्ट आने के लिए किसी क्वेश्चन का, ठीक है। इट्स ओके, बाय।